वेल दिस टाइम रेनाउंडेड कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा है एक बहुत ही बुरी खबर की वजह से। पिछली बार हमने आपको रेमो की वाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन तस्वीरें शेयर की थी और उसके बाद डांस प्लस 5 के जल्द ही आने की न्यूज भी, मगर आपको बता दें कि इन सब से पहले रेमो डिसूजा फंस गए हैं लीगल के चक्करों में और रेमो डिसूजा के खिलाफ नॉन बिलेबल वारंट भी इश्यूज जारी हो गया है। आइए आपको इस पूरे मैटर के बारे में एक्सप्लेन करें। वेल इंडियन एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग साल 2016 में गाजियाबाद से रेमो डिसूजा के खिलाफ एक कम्प्लेन फाइल की गई थी। गाजियाबाद के रहने वाले सत्येंद्र त्यागी ने रेमो डिसूजा पे 5 करोड़ रुपए उनसे लेने का इल्जाम लगाया, जहां वो अपनी अपकमिंग फिल्म अमर मस्ट डाई को फाइनेंस करवाने वाले थे, मगर समहाउ ये चीजें वर्कआउट नहीं हो पाई और रेमो डिसूजा को वादे के अनुसार इस सत्येंद्र त्यागी को डबल पैसे यानी कि 10 करोड़ रुपए उनकी फिल्म रिलीज के बाद लौटाने थे। रेमो ने ना तो कभी पैसे लौटाए और इसके बाद कभी कोर्ट में अपीयर भी नहीं हुए। इस वजह से रेमो डिसूजा पड़ गए हैं लीगल के चक्करों में और उनके खिलाफ वारंट इशू कर दिया गया है। ये वारंट उनके मुंबई के घर पे दिया जाएगा और उसके बाद देखना होगा कि रेमो डिसूजा पर क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल डांस प्लस 5 भी इस वजह से ट्रबल में लग रहा है। फिलहाल रिश्ता टीवी का में इतना ही। अपने फेवरेट शो और स्टार से रिलेटेड अपडेट के लिए आप करें रिश्ता टीवी का को अभी सब्सक्राइब।